हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 13 सितंबर और बात करेंगे इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन रेणुका डैम। तो रेणुका डैम जो बन रहा है उसमें दिल्ली सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की आपको रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले दो चार की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो रेणुका डैम है वो बन रहा है हमारा गिरी नदी के ऊपर। सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, गिरी नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है। दूसरा जो पॉइंट आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बन रहा है हमारा सिरमौर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, इसकी हाइट क्या होगी, तो वो होगी 148 मीटर, ठीक है। तीन आपको मेन चीजें याद रखनी है, गिरी नदी के ऊपर बन रहा है, कौन सी नदी के ऊपर, कौन से जिले में और कितनी इसकी हाइट होगी। अब बात करें परसेंटेज की, तो वो होगी हमारी 19:10, यानी कि जो 90% होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी और जो 10% होगा वो हमारी करेगी एचपी गवर्नमेंट इन्वेस्ट। यानी कि जो इसका मतलब मैक्सिमम जो फायदा होगा पानी से वो दिल्ली को ही होने वाला है, इसलिए जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो दिल्ली सरकार की तरफ से। बाकी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो है सभी याद रखने हैं, ठीक है। दिल्ली की जगह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको सिर्फ रेशियो याद रखनी है 19:10 और गिरी नदी, सिरमौर और इसकी हाइट आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेंस्ट विच डेडली ऑनलाइन गेम द सेंटर इशूड एन एडवाइजरी इन सेप्टेम्बर 2018। केंद्र ने किस घातक ऑनलाइन गेम के खिलाफ सलाह जारी की है वो आपको बताना है। तो आपने सुना होगा कि कौन सी गेम के खिलाफ आजकल जो है वो सभी सलाह देते हैं। आपने अगर आप YouTube यूज करते हो आपको पता होगा, तो वो है हमारा मोमो चैलेंज। ये जो गेम है वो ब्लू व्हेल की तरह है, जो पहले ब्लू व्हेल चली थी जिसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते थे, तो उसी की तरह है। तो ये सलाह जारी की गई है कि अपने बच्चे जो होते हैं, ठीक है, घर में उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है उस पर जरूर नजर रखें, वो क्या करते हैं, कहीं वो किसी गेम में बिजी तो नहीं है। तो इसलिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ये सबसे एडवाइस दी गई है सबको कि जो अपने घर में बच्चे उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है, विद विच इंडियन स्टेट नेपाल स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट बस सर्विस इन सितंबर 2018। किस राज्य के साथ, सॉरी यहां पर किस राज्य के साथ है नेपाल ने अपनी पहली बस सेवा शुरू की है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो वो की गई है हमारी बिहार के साथ, ठीक है। तो ये है हमारी बोधगया से कानपुर, बोधगया से कानपुर चलेगी और पटना से जनकपुर, ठीक है। ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप बोधगया से बीके, बोधगया से कानपुर और पीजी, पटना से जनकपुर, ये आपको याद आ जाएगा। उसी के साथ साथ कैपिटल आपको पता होगी बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। एरिया रैंक जो इसका 13 है, एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है, 13 पे आता है। और इसके सीएम जो है वो है हमारे नीतीश कुमार, ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो वॉज एडजस्ट मैन ऑफ सीरीज इन द जस्ट कंक्लूड इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2018। टेस्ट सीरीज जो हुई थी 2018 की, उसमें किसे मैन ऑफ सीरीज घोषित किया गया है, विराट कोहली, सैम कुरान, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए एंड बी, दोनों को, विराट कोहली और सैम कुरान को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज यहां पर है जो घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन अ स्केट मेडल इन द जूनियर इवेंट ऑफ द वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। इसके बारे में हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, ISSF, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और कहां पर हो रही है, ये हो रही है हमारी दक्षिण कोरिया में, ठीक है। जो जगह का नाम हमारे पास है चांगवान, कई बार चांगवान के नाम से भी आ सकता है, कई बार आपको ISSF के नाम से भी आ सकता है, कई बार वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के नाम से भी आ सकता है। तो इसमें जो पदक जीता है स्किट में, वो दे है गुरीहल सिंह गारचा ने, ठीक है। तो ये नाम आपको जो है याद रखना है, गारचा से आप याद रख सकते हैं, पर दोनों नाम आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, पीछे का नाम मत याद रखिएगा, गुरनिहाल जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच न्यूक्लियर रिएक्टर बिकम ऑपरेशनल इन सितंबर, को सितंबर में कौन सा परमाणु रिएक्टर परिचालित हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो अप्सरा यू जो है वो दोबारा से शुरू होगा। दोबारा से मैंने क्यों यहां पर कहा है कि इससे पहले ये है हमारा अप्सरा का अपग्रेड वर्जन। अप्सरा इससे पहले चला था जो कि शुरू हुआ था 1956 में और 2009 में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और कहां से कहां पर चलेगा ये चलेगा हमारा BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और कब बना था ये बना था हमारा 1954 में। तो तीन चार पॉइंट जो है आपको याद रखना है, BARC की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, BARC के नाम से भी आ सकता है, और अप्सरा 2 आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन सितंबर। इंडिया यूएस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जॉइंट, उसका नाम क्या है 2018 में होने वाली, तो उसका बनाना है, उसका जो नाम है वो है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो होगी वो 14th एडिशन है इसका,
और ये कहां पर होगी, वो होगी हमारी उत्तराखंड में, ठीक है। जगह का नाम भी आपको बताना चाहिए और कौन सा इसका एडिशन है वो भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिफेंस अंडरटेकिंग इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप, भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं, कौन सी लिमिटेड बना रही है, तो वो बना रही है हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, हिंदुस्तान के नाम से ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंपनी इन सेप्टेम्बर 2018 ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर इन बेंगलुरु, किस कंपनी ने बेंगलुरु में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस जोन खोला है। कंपनी आपके पास चार दी गई है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है सैमसंग। तो इस जो ये एक्सपीरियंस जोन है इसका नाम है सैमसंग ओपेरा हाउस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नाम भी सैमसंग ओपेरा हाउस इसका नाम है, और कहां पर खोला गया है, वो खोला गया हमारा बेंगलुरु में। कई बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सैमसंग ओपेरा हाउस कहां पर खोला गया है, तो वो खोला गया है हमारा बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विजय शंकर व्यास जो अभी अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच से संबंध रखते थे। यहां पर इकोनॉमिक्स की आपके पास चार ब्रांचेस दी गई है, तो वो संबंध रखते थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब एग्रीकल्चर ब्रांच से डायरेक्टली आप ये रख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही वाज आल्सो सीनियर एडवाइजर इन द वर्ल्ड बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक का जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था वहां पर वो सीनियर एडवाइजर भी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप अ मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ICTAI, ठीक है। इस चीज को स्थापित करने के लिए जो है नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो वो किया है हमारा इंटेल के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट 2018 इज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट NE से याद रखिएगा 2018, एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये जो है वो इंडिया और कौन से देश के बीच में हो रही है, तो ये हो रही है हमारी मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और तो रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया और मंगोलिया की जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।